नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताने वाला हूं जहां चीनी की सबसे बड़ी मिल है और इस शहर में मां देवी पाटनी का वास है। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले की। ये राप्ती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ये शहर उत्तर में नेपाल से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में बलराम जिले का जो क्षेत्र है वे प्राचीन समय में कौशल राज्य का एक हिस्सा था। बलरामपुर शहर बलराम चीनी मिलों के लिए जाना जाता है, जो देश के सबसे बड़े चीनी विनिर्माण उद्योगों में से एक है। बलरामपुर शहर में एक पीपल का वृक्ष भी है। ये कहा जाता है कि इस पेड़ को बोध गया के मूल बोधि वृक्ष के एक पौधे से उगाया गया था। गौतम बुद्ध ने 21 साल पीपल के पेड़ के नीचे बिताए हैं। अंगुली माला की प्रसिद्ध घटना श्री बस्ती के जंगल में हुई है, जहाँ डकैत जो लोगों को मारते थे उनकी उंगलियों की माला पहनते थे, उन्हें गौतम बुद्ध ने प्रबुद्ध किया था। बलरामपुर शहर का नाम यहाँ के पुराने राजा बलराम दास के नाम पर है। ये नगर अधिक पुराना नहीं है। महाराजा दिग्विजय सिंह के समय नगर ने बहुत उन्नति की। 25 मई 1997 को बलरामपुर को गोंडा जिले से अलग करके जिले का दर्जा प्रदान किया गया है। यहाँ जनता के लिए स्कूल, अस्पताल, सिंचाई, बिजली, रेल, चीनी मिल आदि का इंतजाम करने के साथ यहाँ बड़ा व्यापारिक ढांचा खड़ा करने में राजघराने का पूरा योगदान रहा है। बलरामपुर में 3 तहसील है। यहाँ 4 विधानसभा क्षेत्र है और 1 लोकसभा क्षेत्र है। बलरामपुर अपने पर्यटक स्थलों के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ के टूरिज्म स्पॉट है जैसे कि नंबर 1 देवी पाटनी मंदिर। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में स्थित एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जो बलरामपुर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है। ये माँ पाटेश्वरी का मंदिर है। ये मंदिर माँ दुर्गा के प्रसिद्ध 51 शक्ति पीठों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती का दाहिना कंधा गिर गया था। भारत और नेपाल के लाखों श्रद्धालु इस स्थान पर आते हैं। दुर्गा पूजा के समय यहाँ एक भव्य उत्सव का आयोजन किया जाता है। चैत्र के महीने के दौरान हर साल यहाँ एक मेला आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषता पीर रतननाथ की शोभा यात्रा है, जिसमें हर साल नेपाल के डांग जिले से श्रद्धालु यात्रा के एक अभिन्न अंग के रूप में यहाँ आते हैं। देवी पाटन सिद्धपीठ नाथ समुदाय के गुरु गोरखनाथ द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ पर मौजूद मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। 11वीं शताब्दी में श्री बस्ती के राजा सुहेल देव ने मंदिर का जीर्णोद्वार कराया था। बलरामपुर का शाही परिवार आज मंदिर का केयरटेकर है। नवरात्रि में एक बड़ा मेले का आयोजित किया जाता है। हर साल चैत्र पंचमी पर पीर रतननाथ के देवता को नेपाल के डांग से देवी पाटन मंदिर में लाया जाता है, जहाँ देवी के साथ उनकी पूजा की जाती है। नंबर 2 बिजलेश्वरी देवी मंदिर। बिजलेश्वरी देवी मंदिर स्थानीय लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है। मंदिर 1900 शताब्दी में बलरामपुर के महाराजा द्वारा बनाया गया था और लाल बलुआ पत्थर की जटिल नक्काशी का एक अच्छा उदाहरण है, जो पूरी संरचना को कवर करता है। मंदिर के गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन जमीन में एक घेरा छेद है, जिसके बारे में एक कहानी प्रचलित है कि यहाँ पर आकाशीय बिजली मंदिर के निर्माण की जगह को चिन्हित करने के लिए गिर गई थी। बलरामपुर शहर से इसकी दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। नंबर 3 सुहेल देव वन्य जीव अभ्यारण्य। भारत नेपाल सीमा के करीब बलरामपुर और श्री बस्ती जिले में सुहेल देव वन्य जीव अभ्यारण्य 452 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह अनेक प्रकार की वनस्पति मुख्य रूप से शीशम, खेर आदि आमतौर पर पाए जाते हैं। जामुन के पेड़, जिगना, हल्दू, फलदू पौधे आदि भी देखे जा सकते हैं। वन क्षेत्र में औषधीय पौधों की भी उचित हिस्सेदारी है। जंगली जानवरों में टाइगर्स, तेंदुए, चीतल, भालू, जेकाल, जंगली सुअर, सांबर, मानके, लंगूर, अजगर, ओटर्स आदि को आमतौर पर देखा जा सकता है। नंबर 4 कोइलावा। कोइलावा बलरामपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इसमें रोमांच और प्राकृतिक दृश्य स्थल शामिल है। यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं, तो यह बेस्ट स्थान है आपके लिए। कोइलावा पूरे राज्य के पर्यटकों के बीच काफी आकर्षित है। ये स्थान शांत और शुद्ध वातावरण प्रदान करता है। ये स्थान ट्रेकिंग लवर के बीच भी काफी प्रसिद्ध है। बलरामपुर शहर रेल और सड़क मार्ग से देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको बलरामपुर में कौन कौन से स्थान पसंद है और आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।